वेलकम बैक एल एच टीवी इंडिया के एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी अभी एक फिर बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर फोरकास्ट उत्तर प्रदेश में अब एक नया पश्चिम विक्षोभ अब फिर मचाएगा तहलका। अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अब फिर झूमकर बरसेंगे वादरा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अब झूमकर बरसेंगे वादरा। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें मौसम विभाग ने देश भर के मौसम में बड़ी परिवर्तन होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले तीन दिनों तक देश के अनेक हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने अब फिर चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही बर्फबारी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पारा लगातार कभी ऊपर तो कभी नीचे रह रहा है। इससे एक ओर जहां स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो वहीं दैनिक जीवन और खेतीबाड़ी का काम भी प्रभावित हो रहा है। मौजूदा समय में खेती में गेहूं के साथ दलहन और तिलहन की फसलें लगी हुई हैं। यदि बारिश होती है तो इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपने ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मौसम के लिहाज से आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही उथल पुथल रहने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब फिर बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अब फिर तूफानी बारिश कई बूंदाबांदी के साथ मार्च के पहले सप्ताह में लगातार ऐसे ही संकेत दिए हैं। वहीं कई जिलों में पूर्वी यूपी के कई जिलों में लगातार बादलों के लुकाछुपी का खेल शुरू हो गया है। सुबह शाम पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हल्की ठंडी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें आसमान में लगातार बादल छाए रहने को लेकर उम्मीद जताई गई है। कुछ इलाकों में लगातार झमाझम बारिश होगी। वहीं अगले तीन दिनों तक लगातार अधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इस दौरान तूफानी हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई नए सिस्टम फिर एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगले 24 घंटे लगातार एक बार फिर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान इस समय 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है, जबकि रात के समय 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। वीडियो के आखिर में चली जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए आंधी तूफान, आकाशीय बिजली और झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल बदायूं और इसके आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने मेघ गर्जना, आंधी तूफान और कुछ स्थानों पर ओले गिरने को लेकर आशंका जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एल एच टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।